अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब हम वेक्टर्स में एक चीज़ सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। इसके दो तरीके हैं, मैं आप लोगों को दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल होता ये, इन फर्स्ट सिनेरियो हम ये कर रहे हैं कि हमें ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें ट्रांसलेट करके लगाना। ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होती है? वेक्टर की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह उसकी मूवमेंट। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है, सही है। मैंने आपको एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया 2 1। 2 जो है represents मूवमेंट इन द एक्स एक्सिस। 2 represents what? In the x axis। 1 represents what? The movement in the y axis। अब हमने A को ट्रांसलेट करना है। A को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ये जो A पॉइंट डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर होता है, अभी हम ये सिनेरियो कर रहे हैं। A जो है 2 यूनिट्स क्या हो जाएगा आगे, बल्कि इसको एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। A 3 यूनिट्स क्या हो जाएगा आगे, 1 2 3, और 1 यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर। तो ये A प्राइम की पोजीशन आ गई। B था, B भी क्या होगा 3 यूनिट्स आगे, 1 2 3, और 1 यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर, B प्राइम। और C भी क्या है, 3 यूनिट हो जाएगा आगे, 1 2 3, एंड 1 यूनिट अबव। सो यू हैव ट्रांसलेटेड ट्राइंगल ABC। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 भी आपके पास। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि आप डायरेक्ट एक काम करो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? नो, इट्स 1 3। जस्ट ऐड द ट्रांसलेशन वेक्टर, डायरेक्टली ऐड द ट्रांसलेशन वेक्टर। व्हाट इज द ट्रांसलेशन वेक्टर? व्हाट इज द ट्रांसलेशन वेक्टर गाइस? ये है ना ट्रांसलेशन वेक्टर 3 1। तो जब हम ऐड करते हो जाएगा 4 4। सो लुक, A प्राइम इज वेयर, 4 4। अगेन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? 3 3। ये भी 3 है, ये साइड भी 3 है। एंड व्हाट्स द ट्रांसलेशन वेक्टर? सो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 6 अपॉन, देखो B कहाँ पे आ रहा है, ये देखो B के कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? 6 4। दिस मेथड इज इजियर। C, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? 3 5। Add the translation vector 3 1, so this becomes, so look, हमने C कहाँ पे, C के कोऑर्डिनेट्स ये 6 है, ये 6 है, 6 6। इजी है या नहीं? सो वन ऑफ द वेज इज आइदर यूज द ट्रांसलेशन वेक्टर, एंड द अदर वे इज दैट ऐड द ट्रांसलेशन वेक्टर टू द कोऑर्डिनेट्स। इजी। नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर गिवन द ट्रांसलेशन वेक्टर, राइट? दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द ट्रांसलेशन वेक्टर इन इटसेल्फ। दैट्स व्हाई आई टॉट यू द 2 मेथड्स। मैंने आपको इस वजह से वो 2 मेथड सिखाए। नाउ सिंपली वॉट यू शुड बी डूइंग इज, दिस इज A, ये A का एक है, एंड दिस इज A प्राइम। इन ऑर्डर फॉर A टू बिकम A प्राइम, हाउ मेनी यूनिट्स डिड यू गो राइट? 1 2 3 4, एंड हाउ मेनी यूनिट्स डिड यू गो अप? सो ट्रांसलेशन वेक्टर इज 4 2। अगर आप यहां से भी देखो, लेट्स कॉल दिस B एंड लेट्स कॉल दिस B प्राइम। सो 1 2 3 4 1 2, सेम इज द केस फॉर द B। सो ट्रांसलेशन वेक्टर सभी का सेम होता है, अगर किसी का नहीं होगा सेम, सो दैट्स नॉट अ ट्रांसलेशन वेक्टर। इफ इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट द ट्रांसलेशन वेक्टर। खैर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट C एंड लेट्स कॉल दिस C प्राइम। डू यू एग्री दैट C विल गो ऑन टू C प्राइम? इसको मैपिंग बोलते हैं। C विल मैप ऑन टू C प्राइम। 1 2 3 4 5, -1 ओनली, -1 तक, तो 5 -1। इजी। दिस इज ट्रांसलेशन। ये देखो जैसे ये भी है, लेट्स कॉल दिस ई, ई इज मैप्ड, बल्कि हाँ ऑलवेज मेक श्योर के प्राइम किस पे है। अब आप गलती से ये नहीं करना कि यहां से यू करो, दिस इज रॉन्ग, क्यों? बिकॉज ई ई इज मैप्ड ऑन टू ई प्राइम। तो आप यहां से देखोगे ये पॉइंट, यानी अगर ये ई है तो ये पॉइंट क्या होगा, ई प्राइम। सो 1 -1 -2 -3 -4 एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 2 3। गेट इट? कंफ्यूजन अपन, कंफ्यूजन श्योर? देखो आपने देखना क्या होता है कि प्राइम कौन सा है। ये जो ई है ऑर्डिनल डायग्राम ये ई था, ई मैप हुआ इस पे जाके, समझ आई? गलती से ये नहीं कहना कि ई प्राइम ई के ऊपर आया है, वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू दिस 1 2 3 4 -1 -2 -3, दिस इज रॉन्ग क्योंकि ई प्राइम पे गया है। So basically you will start from here. This point is mapped onto this point. So x से start करो हमेशा। (1 -1 -2 -3 -4) (1 2 3 -4 3). हमेशा देखा करो वो प्राइम किस पे बना हुआ है। Any confusion guys? So that's it for translation.